गो टू स्लीप नाउ दिस वॉज द लास्ट लाइन जो कि लियो मेसी ने कल के अवॉर्ड सेरेमनी में कही ही वॉज डायरेक्टिंग दिस स्टेटमेंट टू हिज किड्स जो कि स्टे अप किए हुए थे रात में वो उस अवार्ड सेरेमनी को देखने के लिए बट कहीं ना कहीं मेसी के इस मैसेज के एक हिडन मीनिंग अगर हम निकाले तो इट वॉज का टूवर्ड्स हिट इज इज वेल समुड से नॉट अस बट कहीं ना कहीं भाई यहां पर बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ आई ओपनर है टू एवरी वन हुज बिन वॉचिंग फुटबॉल यार वाई डिड लियो मेसी वन द फीफा बेस्ट

लियो मेसी फॉर विनिंग दिस अवार्ड फॉर द सेकेंड टाइम रनिंग भाई तीन डिकेट में बंदे ने इस अवार्ड को जीता है दो हजार दो हजार दस और दो हजार बीस वाले डिकेट में मेसी ने इस अवार्ड को जीता है फॉर द सेकेंड टाइम नाउ एंड टोटल सेवन टाइम फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर लियो मेसी बनते हैं सेवेंटी सेवन इंडिविजुअल खुलेड फॉर दिस गायज टू गो डाउन एज इफ नॉट द ग्रेटेस्ट बट

It was से गोल स्कोर कर रहा था बंदा दिख रहा था बंदा एकदम डेड इज सी फॉर फीफा वर्ल्ड कप लेफ्ट राइट सेंटर स्कोरिंग असिस्टिंग एज वेल और बाई केलियन फ्रांस नेशनल टीम को फाइनल तक पहुंचाया हेट्रिक इन द फीफा वर्ल्ड कप फाइनलिटली अगर लोगों को ये क्वेश्चन है कि भाई किलियन क्या कर रहा है आई डोंट थिंक सो दिस शुड बी द क्वेश्चन यार किलियन हैड टू बी देयर बिकॉज ही अ ग्रेट फीफा वर्ल्ड कप और और एक बात है यार सिंपली सब लोगों को समझना चाहिए जब भी ये फीफा अवार्ड्स या बारा और अवार्ड्स दिए जाते हैं ना तो इसमें जो भी इंटरनेशनल ट्रॉफी होती है ना उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी दिया जाता है बिकॉज भाई ये इंटरनेशनल मैचेज भाई खासकर फीफा वर्ल्ड कप भाई चार साल में एक बार होने वाला टूर्नामेंट है तो वट एवर यू डू इट इन दिस टूर्नामेंट विल हैव अ डायरेक्ट से इन द इंडिविजुअल अवार्ड्स तो ये yes अगेन किलियन वॉज देयर करीम बेंजीमा ऑन अदर हैंड भाई लोग सबको ध्यान रखना होगा करीम बेंजीमा को बालंदौर मिल चुका था वर्ल्ड कप से पहले बाल सरमनी हुई जिसमें करीम बेंजीमा को बाल मिल चुका है ही गॉट द रिक्शन फॉर द सीजन ही हैड लास्ट ईयर बट इस साल डिफरेंस क्या था इस साल द माइन्यूट डिफरेंस वॉज कि इन्होंने इस अवार्ड में फीफा वर्ल्ड कप को कंसिडर किया था कि करीम बंजीमा फीफा वर्ल्ड कप में पार्ट नहीं ले पाए थे तो ही वॉज नॉट कंसिडर्ड फॉर दिस अवार्ड ऑब्वियसली थर्ड स्टैंड पे आते हैं वो ठीक है सेकेंड पे खेले नंबर पर आते हैं बट शुड बंजीमा है ऑल फेयरनेस hmm. अगर ये साल फीफा वर्ल्ड कप का साल नहीं होता करीम जीमा वॉज टेकिंग दिस टाइटल होम काफी लोग यहां पर कहेंगे आई वॉन्ट यू गाइड टू आंसर मी राइट नाउ डू यू रियली थिंक यहां पर ले मे वा वन दिस अवॉर्ड इफ इट वॉर फीफा वर्ल्ड कप नहीं आई डोंन so, का भी चांस था करीम बनजीमा आउट राइट विनर था फॉर दिस ट्रॉफी बट वी नॉट विन इड ऑब्वियसली वर्ल्ड कप है अब वर्ल्ड कप में मेसी के परफॉर्मेंस वॉज गोटेड बाई बंदा मोस्ट ऑफ द मैच अवार्ड जीता है टर्म्स ऑफ गोल्स एज वेल ये बहुत सारे गोल्स उसने पेनल्टी के थ्रू भी मारे बट पेनल्टीज आर अ पार्ट ऑफ फुटबॉल जब आप एक वर्ल्ड कप में हो आपको पेनल्टी भी मिलती है तो यू शुड इमेजिन द प्रेशर दैट रिलैक्स ऑन योर शोल्डर मैं सभी पा रहा हूं लोग ऐसे हिपोक्रेट क्यों हो रहे हैं लियो मेसी को पेनल्टी मिस करने के लिए लोग घर आते थे आज अगर वो बंदा वर्ल्ड कप में पेनल्टीज मार रहा है तो लोग दोबारा घर आ रहे हैं मतलब दे इज नो फेरनेस फॉर दिस गाय आप फेयर हो नहीं सकते हो तो वाई शुड द अवॉर्ड भी आई थिंक इस पॉन्ट ए फेयरेस्ट As they could have been, क्योंकि अवार्ड्स दे वो वोटेड बाय डी जर्नलिस्ट, डी कैप्टेन्स एंड डी कोचेस ऑफ़ डी क्लब. फुटबॉल तुम देख भी सकते हो. फर्नांडो सांतोस कोच ऑफ़ पोर्चुगल किसने किसको वोट किए पता है? सबसे नंबर वन पे लियो मेसी को वोट किए. अलाबा किसको वोट किए भाई? यू कैन ऑल सी भाई. तो हमको पता है, है क जो कतल परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप की थी भाई, अगर तुम सच में सोचोगे बंदे ने रूल किया है भाई फीफा वर्ल्ड कप में ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन दैट टूर्नामेंट गोल्डन बॉल जीता है उस टूर्नामेंट को और द ओनली डिफरेंस फ्रॉम किलन पे वाज किलन ने भी अच्छा फुटबॉल खेला किलन को भी गोल्डन बॉल मिल सकता था बट इट जस्ट वॉच फॉर द टाइटल अगर किलन वर्ल्ड कप जीत जाते आई थिंक ही वुड हाउ वन बेस्ट अवार्ड बट क्योंकि किलन टाइटल हार गए इट लैंडेड विद लियो मेसी यहां पे दैट मेक द बिग डिफरेंस और ऑब्वियसली सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन वुड कम अप अपॉन स्कलोनी कार्लोन चलोटी एज वेल पेप गोल्ड तो मैं पेप को किनारे रख दूं अभी क्योंकि पेप के ऊपर डिस्कशन नहीं है अ लॉट ऑफ पीपल वुड वांट टू आस्क मी अबाउट कार्लो एंड को क्यों नहीं मेरा अगेन सेम नैरेटिव फॉर दिस मेरे भाई लोग सेम नैरेटिव है बहुत डिफरेंट नहीं है लानल स्कलोनी कुड नेवर डू एज मच एज विनिंग द फीफा वर्ल्ड कप येट अगेन टू हैव अ क्लेम ऑन दिस टाइटल

क्या यहां पे तुम कहोगे वॉट कार्लो एंटोलॉट डिड इज ग्रेटर देन वॉट स्कलोनी डिड वुल यू से दैट स्कलोनी विंस फीफा वर्ल्ड कप विथ अर्जेंटीना वर्ल्ड कप भाई लोग दोबारा सुनो वर्ल्ड कप है वो यहीं पे नैरेटिव चेंज होता है द टाइटल स्पीक्स फॉर इट सिल्बाई वर्ल्ड कप जीतना विल ऑलवेज बी ग्रेटर एनी 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 डोमेस्टिक टाइटल यार तो यहीं पे बस डिफरेंस बनता है तो दैट्स द रीजन स्कलोनी स्कलोनी एंड का इंपैक्ट था स्कलोनी का बहुत इंपैक्ट था अर्जेंटीना की टीम दो साल पहले कुछ नहीं थी यार तुमने दो हजार वर्ल्ड कप में भी देखा अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस कैसी थी एंड स्कलोनी जब से आते हैं अर्जेंटीना की टीम में उन्होंने चेंज कर दिया नेचर यहां पे उन्होंने वो जो प्लेयर्स थे जो अथॉरिटी बना के रखे थे इस टीम के

क्या एमी मार्तीनेस को फीफा का बेस्ट गोलकीपर अवार्ड देना चाहिए था या फिर को आप कोर्टुआ को बेस्ट गोलकीपर अवार्ड देते आप लोग यहां पे एक ग्लिच देख रहे हो जो वर्ल्ड इलेवन है उसमें बेस्ट गोलकीपर कोर्टुआ को दिया गया एमी मार्टिनेस नहीं है वहां पे बेस्ट इलेवन के बारे में तो मैं किनारे बाद में बात करूंगा करूंगा एमी मार्तीनेस शुड ही हैव गॉट दैट अवार्ड और नॉट इट इज फॉर डिबेट कोर्तुआ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस द बेस्ट गोलकीपर पिछले साल इन फुटबॉल यार हैंड डाउन उसका जो फाइनल का परफॉर्मेंस था टॉप नॉच परफॉर्मेंस था ठीक है उसका चैंपियंस लीग वाला जो फाइनल परफॉर्मेंस दिया उसने लिवरपूल के अगेंस्ट मोस्ट सेव्स इन द दैंप्स लीग फाइनल बाय अ प्लेयर कोर नाइन सेव्स किए एंड सिंगल हैंडेडली भाई उसने मोड्रिड को उस दिन चैंपियंस लीग जिताया लिवरपूल के अगेंस्ट ना शुड ही हैव वन द अवार्ड फॉर द बेस्ट गोलकीपर ही कुड हैव बट द ओनली प्रॉब्लम वॉज

फाइनल में उन पेनल्टीज को सेव करना फाइनल में कोलो मुआनी का वो पर्टिकुलर सेव करना डाउन बाय कोलो सेमी मार्थिनस को अकेले फीफा का बेस्ट अवार्ड मिलना चाहिए जस्ट फॉर दैट सेव ही पुल्ड अगेंस्ट कोलो मुआनी यार तो लो पे नो डिबेट है एमी मार्तिनस गोज ऑन टू विन द बेस्ट गोलकीपर अवार्ड यार ठीक है वुड फील हार्ड डन ऑन तो बट देन यहां पे वी कैन अंडरस्टैंड वाई डिड दैट बिकॉज वर्ल्ड कप की टाइटल बंदे ने जीता है हराम कोर वर्ल्ड कप की टाइटल जीता विद दैट पर्टिकुलर सेव एंड दोस्त पेनल्टी तो यहीं पर क्लियर हो गया भाई सारा नैरेटिव बदल गया बिकॉज वर्ल्ड कप वॉज दे रहे दिस टीम परफॉर्म वेरी वेल तो भी ऑनस्ट इट्स वेरी वेरी सर्टन ऑलमोस्ट एवरी टाइम होता है कि जो एक चैंपस लीग विनिंग टीम होती है तो जो अवार्ड्स होते हैं चांपंस लीग के बेस्ट प्लेयर्स के बेस्ट मिडफील्डर्स के तो वो 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 ऑफन चांप्स लीग की विनिंग टीम से दिए जाते हैं तो यहाँ पर विश्वन भी रियली सरप्राइज की लारंस कलोनी दीबू और लियो मेसी को ये बेस्ट अवार्ड मिला है यहाँ पे तो दैट्स दैट that यार इन माय ओपिनियन बाकी इसके अलावा और क्या जो आपका पुस्कस अवार्ड था डेफिनेटली वॉज गिवन टू मार भाई जो उन्होंने हैंडीडिकैप फुटबॉल में जो वो स्कॉर्पियन की स्कोर की ऑब्वियसली काफी सारे अलग अलग पार्टिसिपेंट्स थे काफी बेहतरीन गोल्स उन्होंने मारे बट आई थिंक फेयरनेस के हिसाब से अलावा जो इलेवन आई है ना यार मेरा तो दिमाग खराब हो गया उस इलेवन को देखिए थ्री थ्री फोर की फॉर्मेशन है उसमें वोजिल क्या कर रहे हैं आई नो यहां पे कई सारे सबसे है नाम मैं लेना चाहूंगा विनीशियस का हॉरेंडे विनीशियस नॉट मेक इट इनटू द फीफा प्रो इलेवन हैव बीन देयर इससे बेहतर परफॉर्मेंस विनीशियस की

आर डोन नो आर डोंट केयर बट कहीं ना कहीं ही स्टिल हैज अर शॉर्ट फॉर दैट अगर वो अच्छा करते हैं अपने डोमेस्टिक फुटबॉल में यूरोपियन फुटबॉल में अगर पी एच डी आगे आती है तो मेसी विल हैवे अ बिग सी इन दै टूर्नामेंट इज दिल well, बट भाई लोग डोंट भी सप्राइज अगली ओ मेसी इस साल जाके एर्थ बालनडोर भी अपना उठाते हैं द गोट परफॉर्म द गोट डेलीवर्ड नाइन द गोट कंटिन्यूज टू परफॉर्म थर्टी फाइव ईयर्स की उम्र में मेसी बिकम्स द ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन द बेस्ट अवार्ड थर्टी थ्री की एज पे मॉडरिच uh, जीते हैं लेवाडो उसकी जीते हैं बट दिस टाइम इट वॉज फॉर थर्टी फाइव ईयर ओल्ड गोट